उसे ही उठाना है। काशी सिर्फ इमेजिन पर। एक प्याली चाय हो जाए, नमस्कार। स्पिरिचुअल विद्या में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका ढेर सारा प्यार हम तक पहुंच रहा है, बहुत सी ईमेल्स आ रही हैं, बहुत से सवाल भी हैं। तो चलिए आज बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। नमस्कार। नमस्कार कनुप्रिया। दोस्तों नमस्कार। जय माता दी, जय भगवान। फिर मिल रहे हैं आज। आपने मुझे लगता है कुछ तैयारी की होगी कि जाना है साधना के क्षेत्र में। हम कैसे आपकी मदद करें, पर पहले आप अपनी मदद करें। स्पिरिचुअल विद्या, आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्तियाँ सदा आपके साथ हैं, पास हैं। पहचानना कैसे है उनको, इसी चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ कन्नू जी के साथ। स्वामी जी बहुत सुंदर बात, लेकिन आज हम जो शुरू करेंगे वो हमारे सभी दर्शकों के बहुत से सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल विद्या जो सेंटर है वो काम कैसे कर रहा है, किस तरह से वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि इस यात्रा पर चल तो पड़े, लेकिन जो डीप नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं या वन टू वन डेली जो उनके साथ अनुभव हो रहे हैं, प्राप्तियां हो रही हैं या रुकावटें आ रही हैं, उनके बारे में वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो कैसे ये सेंटर काम करता है और किस तरह से वो जुड़ सकते हैं। आप लोग दोस्तों जुड़े ही हुए हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। कभी आप दर्शक थे, कभी आलोचक थे, आज साधक दोस्त बन गए हैं, कोई शिष्य बन गए हैं, कोई भाई बन गए हैं, कोई बहन बन गई हैं, बेटी बन गई हैं। तो स्पिरिचुअल विद्या परिवार का दायरा बड़ा होता जा रहा है डे बाई डे। हमारे स्पिरिचुअल विद्या सेंटर का जो प्रयास है कि सभी आध्यात्मिक व्यक्तियों को एक साथ जोड़ना और उनमें आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कैसे हो, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो, हमारा ध्येय है। धर्म बाधा नहीं है, आप किसी भी धर्म के हैं, औरत हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो आपका स्वागत है। आप अपने हैं, क्योंकि
अध्यात्मिकता का आजू के साथ कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कोई 20 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा भी अध्यात्मिकता में हमसे ऊपर हो, पर एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को सिखाएं और आपकी जो रोजमर्रा जिंदगी की समस्याएं हैं वो कैसे उनका समाधान हो, कैसे आसान ढंग से उसका समाधान हो, इसके लिए अलग अलग ब्रांचेज हैं हमारी। जैसे सबसे पहली ब्रांच जो है एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है। एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच में हमारे पास अच्छे अच्छे ज्योतिषियों की सेवा है, जो हमारे साथ बहुत अच्छे ढंग से जुड़े हुए हैं, बहुत विद्वान हैं। हमने कोशिश की है स्पिरिचुअल विद्या में कि एक मंच पर सब लोग इकट्ठे हों, चाहे अच्छे ज्योतिषी हों, अच्छे वास्तु वाले हों, अच्छे अध्यात्मिक विज्ञान वाले हों, अच्छे आयुर्वेद वाले हों, कि हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, जहाँ हमारी जो प्राचीन भारतीय परंपरा की विरासत है, उसको अच्छे ढंग से लोगों तक पहुँचाया जाए। और लोगों के लिए भी ये, आप सब के लिए, कि आप भी सही व्यक्ति तक पहुँच पाएं। हमने एक माध्यम बनाया है, कभी कभी आपको अच्छे ज्योतिषी की सेवा चाहिए, अच्छे कर्मकांड ब्राह्मण की सेवा चाहिए, अच्छी वास्तु की सेवा चाहिए, आप कहीं ढूंढ नहीं पाते हैं इस देश में, स्पेशली अमेरिका में, कनाडा में। कहीं ढूंढते हैं तो फिर आपको कभी विश्वास नहीं होता है, कहीं विश्वास बनता है फिर शंका रहती है, तो सामने वाला व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता। तो स्पिरिचुअल विद्या एक ऐसा परिवार, ऐसा स्तर, ऐसा मंच, ऐसा घर जहाँ से सब कुछ मिले आपको। तो एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है, उसमें एस्ट्रोलॉजी के अंतर में लगभग जितनी विधा है उनकी सेवा दी जाती है, उससे आप जानकारी ले सकते हैं अच्छे ढंग से। एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमें मार्गदर्शन देती है, डायरेक्शन देती है, हमें कैसे होने चाहिए, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, किस बात से बचना चाहिए। पर मैं तो ऐसा भी कहूँगा कनुप्रिया, कि एस्ट्रोलॉजी हमें सच में अध्यात्म की ओर जाने के लिए प्रेरणा देती है। एस्ट्रोलॉजी आपको उस भगवान के साथ जोड़ती है, क्यों कभी कभी आदमी डर से जाता है, कभी प्यार से जाता है, कभी डर से जाता है तो प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है तो फिर पहुंच जाता है उस तक। इसलिए वास्तु के बारे में आप जानते हैं कि वास्तु की आजकल बहुत डिमांड है, वास्तु किस ढंग से आपको घर बनाने चाहिए, आपका व्यापारिक स्थल कैसा हो, तो वास्तु के लिए भी हमारे पास अच्छे विद्वानों की सेवा है। तंत्र मंत्र के लिए भी अच्छे विद्वानों की सेवा है, कर्मकांड के लिए अच्छे विद्वानों की सेवा है, तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। पर जितनी भी श्रेणियां हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसको अच्छे अच्छे लोग देखते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि मेरी देखरेख में सब हो। मैं कोशिश करता हूं कि जैसे ज्योतिष में हमारे एक विद्वान पंडित जी हैं, वो उसके इंचार्ज हैं, मंत्र तंत्र में दूसरे हैं, बस जितनी भी ये ब्रांचेज हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज़रूर ध्यान रखूं उनमें, मेरी कहीं किसी के साथ गलत ना हो जाए। और मेन रूप से चंद्रेश भारद्वाज देख रहे हैं स्पिरिचुअल विद्या सेंटर के सभी कामों को, हलीमा जी देख रही हैं, विजया जी देख रही हैं, सभी लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल विद्या के जरिए सभी जगह हम सेमिनार्ज करें छोटे छोटे, जिससे हम सबको कनुप्रिया जी सिखा पाएँ कि जैसे आपने पीछे बात की कि मंत्र कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, क्या संकल्प कैसे करना है, तो उसको किस ढंग से प्रैक्टिकल रूप से आपको सिखा पाएँ, आप रूबरू जान पाएँ कि आप में क्या कमी है, या इस नॉलेज में, इस ज्ञान की गंगा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। पर एक बात ही मैं तो जानता हूँ कि स्पिरिचुअल विद्या सेंटर तो आपका है ही अपना,
पर मैं भी आपका हूँ। बहुत सुंदर बात। बहुत प्यार करता हूँ आपसे और मुझे बहुत कुछ मिला है आपसे, और मेरे पास जो मेरा अनुभव है, जो है सब आपका, उसको मैं खुले हाथों बांटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको किसी की जरूरत ना रहे, बस आप आगे 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 बढ़ाते रहें इस विद्या को, लोगों का भला करते रहें। ओलो जी, आ गया इमेजिन का एक और नया रियलिटी शो। मुंबई दी कुड़ियां आ रही है साडे गांव विच, चूल्हे विच दो फूकते मारे, मुंह काला करके वापस भाग जाएगी अपने शहर। बड़ी आई बनने देसी गर्ल। एक्सक्यूज मी भैया, एक मिनट भजिया देना। ऑयल कम प्लीज। आठ मुंबई की लड़कियां, एक पंजाब का गांव, जो जीतेगी गांव वालों का दिल वही कहलाएगी देसी गर्ल, सिर्फ इमेजिन पर। इज प्रेजेंटेड बाय न्यूयॉर्क लाइफ। लाइफ इज ब्यूटिफुल विद द कंपनी यू कीप, इन एसोसिएशन विद मॉन्टैग रियल एस्टेट। कहानियां लेंगी एक नया मोड़। बस पापा, एक बार दादाजी उन प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर ले, एक एक चीज के लिए मोहताज कर देंगे इस परिवार को। फिर हम देखते हैं कि कार्तिक जी हमसे रिश्ता कैसे तोड़ पाएंगे। क्या इस खुलासे के साथ आएगा एक नया मोड़ सुमन और कार्तिक के रिश्ते में? रुक जाइए दादाजी। पलकों की छांव में सिर्फ इमेजिन पर। ये मेरी पत्नी सुषमा, पैसों के लिए क्या क्या करवाया मैंने उससे। एक बार सुषमा को मेरे पास भेज दो। यहाँ क्यों लेकर आया आप मुझे? वो देख, ज्योति सिर्फ इमेजिन पर। ये मुझे बहुत साल से जानते हैं, तो इनसे ही पूछे कि इनका निर्णय क्या है। जो भी ये मानेंगे वो सच होगा। मारू निर्णय है, जो मैंने देखा वो सत्य है। अंतु, संतु बेटा क्या कर रहे? मर गई है संतु, मर गई है बंदिनी आज। बंदिनी सिर्फ इमेजिन पर। Presented by New York Life. Life is beautiful with the company you keep. In association with Hope Medical Institute. Study medicine in European medical schools. Call HMI. इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसा परिवार मिल रहा है, जैसा कि कहा स्वामी जी ने कि हमारा और आपका साथ जो है वो एक परिवार है। अब परिवार के हर सदस्य की ज़रूरत अलग अलग है, तो स्पिरिचुअल विद्या का ये सेंटर उन ज़रूरतों को समझता है और फिर जैसी जिसकी ज़रूरत है उस हिसाब से आपको सोल्यूशन मिलते हैं। परिवार में भी तो जब बड़े होते हैं समझ लेते हैं कि हर बच्चे की क्या ज़रूरत है। तो अगर आप विद्या स्पिरिचुअल विद्या के सेंटर के साथ जुड़ना चाहते हैं, खुला निमंत्रण है आपके पास। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.spiritualvidya.com और अपने जीवन की जो भी समस्या है उसका सलूशन आपको मिल सकता है। जो भी रास्ता अपनाना चाहते हैं वो रास्ता आपके लिए खुला होगा। और जैसा कि स्वामी जी आपने कहा कि ज्योतिष जो है, कहा भी तो यही जाता है कि ईश्वर की ज्योति है, कहीं ना कहीं वो रास्ता खोलता है, वो लाइट दे देता है। हम फिर किस रास्ते पर चलें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, तंत्र के रास्ते पर। ये जो पूरा हमारा प्रयास है, पूरी श्रृंखला है, ये बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी विद्या को आप तक लेकर आने की जो अभी तक कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप में हमारे सामने नहीं आई थी। उसके एक ऐसा स्वरूप सामने आ रहा है जो इतना निर्मल है, इतना कोमल है, इतना खूबसूरत है, इतना हमारे दिल के नज़दीक है, इतना हमारी मदद करना चाहता है। हमने षटकर्म की बात की थी और तीन हमने एस्पेक्ट्स उसके देख लिए थे, जहां आकर्षण की बात थी, वशीकरण की बात थी, स्तंभन की बात हो चुकी है। आगे हम इस श्रृंखला में आगे बढ़े स्वामी जी। आगे जैसे थोड़ी सी चर्चा पीछे हुई थी, कोई शायद किसी का ईमेल था, तो अब नेक्स्ट कर्म है जो दोस्तों तंत्र में वदेशन कर्म आता है। वदेशन का मीनिंग के
किसी में विदेशन करा देना, किसी दोनों में झगड़ा करवा देना, कला करवा देनी। सुन के बड़ा अटपटा लगता होगा कि तंत्र कहता है कि सदा अच्छे काम करने हैं, प्यार करो, रिश्ते जोड़ो, रिश्ते जोड़ो। तो ये कौन सी बात हो गई कि झगड़ा करा देना। दोस्तों, बुराई आ गई कोई हमारे साथ, तो बुराई का झगड़ा करा करके भेज देना उसको। कहीं पे कोई व्यक्ति गलत मंडली में फंस गया, संगत ऐसी खराब हो गई, जुआ खेलने लगा, बच्चा स्टडी कर रहा था, स्टडी ना करके ऐसे ग्रुप में चला गया, शाम होते ही क्लब में चला जाता है। और जहाँ का कानून आपको पता है ऐसा है कि हम बच्चों को कुछ नहीं कह सकते कि बच्चा 18 साल का हो गया तो अपना देखेगा, ज़्यादा कहते हैं तो बच्चा कहता मैं अकेला रहूँगा, अलग रहूँगा। कभी ड्रग लेने लग गया, कभी ऐसी स्थिति में आ गया कि जो गलत कार्य नहीं करने चाहिए उनसे जुड़ गया, तो उससे कैसे उसको अलग करें। हमने छोटे छोटे प्रयोग किए, वशीकरण किया, आकर्षण किया, थोड़ा आकर्षित हुआ फिर चला गया। तो जब ऐसी बुराइयों से कोई घिर जाए, ऐसी बुराइयों से दूर करने के लिए विदेशन तंत्र बहुत बड़ी मदद करता है। विदेशन तंत्र व्यक्ति को निकाल देता है वहाँ से। आप कितने भी बुराई में चले गए हो, किसी भी स्थिति में चले गए हो। बिल्कुल। और आपने कहा कि जहाँ हमें लगने लगे कि अब यहाँ पर कोई और सोल्यूशन नहीं लग रहा, हमने वो छोटे छोटे बाकी तरीके कर लिए, नहीं हो पा रहा, तो विदेशन क्या काफ़ी पावरफुल है? एक और मैं आपसे बात जानना चाहती हूँ, हम जिस श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं चटकर में, तो क्या धीरे धीरे जैसे आकर्षण से, वशीकरण से, स्तंभन, ये और पावरफुल होते जाते हैं क्या जो कर? कहीं कहीं बेटा जरूरत होती पावरफुल होते जाते हैं कहीं कहीं, क्योंकि विदेशन बहुत कठोर है। तो पावरफुल ऐसे हैं जैसे षटकर्म है तो आकर्षण है, वशीकरण है, स्तंभन है, अभी विदेशन आ गया। विदेशन के बाद फिर उच्चाटन है कि व्यक्ति को बिल्कुल उस चीज़ से उच्चाट हो जाए, नाम ही नहीं ले कभी। उसके बाद फिर मारण तंत्र आता है। तो मारण तंत्र की तो इजाज़त नहीं देते हैं ऋषि पुरुष, ना उसकी इजाज़त है, ना उसको करना चाहिए। कानूनी रूप से भी अपराध है, और जो आध्यात्मिक कानून है उसकी ओर से अपराध है, गुरु पुरुषों की ओर से भी अपराध है, तो उसको नहीं करना चाहिए। तो पर वो मारण सबसे पावरफुल हो गया। आई कैन सी इट कि आकर्षण और वशीकरण जो बड़े सॉफ्ट से लगते हैं, उसके बाद स्तंभन, और अगर हम आगे की बात करते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ आती नज़र आती है, और उसके बाद फिर काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग जो कर्म की बात आ जाती है। तो इसका अगर हम देखें स्वामी जी, जो आपने बात की, ये जो कर्म है, ये एक आस्पेक्ट तो आपने बताया कि इसका पॉजिटिव, लेकिन बहुत बार आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, बहुत बार ये इसका उपयोग ऐसा लगता है कि अपनों को दूर करने के लिए भी किया जाता है, जो नेगेटिव रूप में है। बेटा सभी चीज़ का प्रयोग गलत हो रहा है, पर इसका प्रयोग बहुत गलत किया जाता है, क्योंकि आपके बहुत दुश्मन इकट्ठे हो गए, आप बिल्कुल अकेले पड़ गई, सभी लोग मिलकर के परेशान कर रहे हैं आपको। तो दुश्मन अलग अलग हो जाएं, उसका प्रयोग इसके लिए भी बना था। सभी बुराइयां इकट्ठी आ गईं, आप देखें आप जुआ भी खेलने लगे, ड्रग भी लेने लगे, चोरी भी करने लगे, स्टडी भी छोड़ दी आपने, काम में भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तो तब इकट्ठी चीज़ें ठीक करना बड़ी तकलीफ की बात, एक को करते हैं दूसरी जोर पकड़ लेती है, दूसरी को करते हैं तीसरी जोर पकड़ लेती है। तो सभी जो नेगेटिविटीज हैं उनको अलग अलग करना, उनको अलग अलग दिशा में बिठा देना, तो भी तंत्र का सहारा लिया जाता है, तो भी तंत्र की बात आती है, उसमें विदेशन तंत्र बहुत काम का है। कभी कभी कहते हैं प्यार में युद्ध में सब जायज होता है। आजकल चुनाव होते हैं, तो चुनाव में दोस्तों सबसे बड़ा तंत्र का सहारा लिया जाता है। जो लोग मंच पर आकर के कहते हैं हम ऐसी चीज़ों को नहीं मानते,
सबसे बड़े उपासक वही हैं तंत्र के। फिल्म लाइन में तंत्र का बहुत बड़ा सहारा लिया जाता है, पॉजिटिव लेना चाहिए, पॉजिटिव लिया जाता है, पर कहीं कहीं नेगेटिव भी तंत्र से अछूता नहीं है। सभी फील्ड में नेगेटिव की बात कहीं ना कहीं आ रही है, जो नहीं आनी चाहिए, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। आई थिंक समवेयर हम जो ये बात करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रेम का रिश्ता नहीं रह गया है स्वामी जी, तो कभी कभी ये लगने लगता है कि जब तक मैं दूसरे को गलत प्रूव नहीं करूँगा, मैं सही नहीं हो सकता। तो शायद इसीलिए हम दूसरे को रोक देना चाहते हैं, उसको सेपरेट कर देना चाहते हैं। ये तो जेलसी फैक्टर समझ में आता है। अगर मुझे आज लगे कि मेरे साथ जो हो रहा है वो हो सकता है ये जो जिस कर्म की हम बात कर रहे हैं, तो विदेशन अगर किया गया है तो क्या मैं अपने आप को उससे बचा सकती हूँ? और अगर मुझे लगे मुझ पर हुआ है तो उससे बाहर निकलने का कोई उपाय होगा जो हम बात कर पाएँ? इसका नशा बेटा इतना ख़राब है, जब विदेशन तंत्र होता है, पहले वाले तंत्रों में कभी कभी पता चल जाता है, स्तंभन होता है, जब देशन होता है तो जब तक पता चलता है तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। अभी की बात है, लुधियाना में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, तो लगभग 30 से 40 देशों में वो माल भेजते हैं, अपना सामान भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। तो उनका जो मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, उनकी खुद की टीम इतनी अच्छी कि उनको पता था कि क्या चाहिए और कैसे करना। तो आप देखें, बिजनेस में तो है कि आप जितना स्पीड से कर सकते हैं, जितना आप जल्दी कर सकते हैं, तभी आप सक्सेस हैं। तो क्या हुआ कि चलता था पिछले सालों से, काफ़ी सालों से बहुत आगे बढ़े, दान पुण्य भी अच्छा किया, तो देखा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, मैनेजर की नहीं सुन रहा है, मैनेजर है अपने बॉस की नहीं सुन रहा है, मालिक की नहीं सुन रहा है, मालिक जो है दूसरों की नहीं सुन रहा है। देखा कि उनका ग्राफ एकदम कम हो गया, खूब श्री यंत्र की पूजा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत परेशान हो गए। अचानक ऐसे मुलाकात हुई तो देखा, मैं कहा कि ऐसा कुछ लग रहा है, देखा बात खत्म हो गई। सुबह सुबह फिर आए तो मुझे लगा कि विदेशन तंत्र का असर है, तो मैंने कहा कि आप सबके ऐसा ऐसा हो रहा है जो चीज़ें विदेशन में होती। मैंने आपको कुछ कहा तो आपके मन में शंका आई कि स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं तो ज़रूर कोई मतलब की बात होगी इनके की। आपने कहा कि मैंने सोचा नहीं कन्नुप्रिया की चाल होगी कोई, ज़रूर ऐसा कह रही है, ऐसा तो नहीं होगा। पर तीनों सिंसियर थे, उसी जगह में लगे रहे, हटे नहीं काम से। पर विदेशन के कारण तीनों के विचार आपस में नहीं मिल रहे थे। किसी प्रतिद्वंदी ने, किसी अपोजिटर ने कुछ ऐसा करवा दिया कि तीनों में फ्रिक्शन हो जाए और काम रुक जाए। तो कोशिश करके ठीक किया, जब उनको पता चला कि हमने कितना एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश की, कितना झूठ बोलने की कोशिश की, कितना मूर्ख बनाने की कोशिश की, पर जब ये पता चला कि तंत्र से हुआ था तो बहुत कष्ट हुआ उनको। दोस्तों, कोई भी अकेला व्यक्ति ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, सबका साथ बहुत ज़रूरी, एक टीम ही जीता करती है, अकेला व्यक्ति कभी नहीं जीतता, और उस टीम में कोई छोटा नहीं होता। एक बात को सोच लेना, छोटे व्यक्ति को टीम से निकाल के देखना उसकी भी कितनी ज़रूरत पड़ती है। अगर दूसरे लोगों से उस व्यक्ति का काम लेंगे आप, तो जो दूसरा जो करेगा उसकी कमी आ जाएगी। तो टीम में जब फ्रिक्शन पड़े, टीम में जब भेदभाव पड़ने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर विदेशन तंत्र का असर हो गया। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक इतनी बड़ी कॉमन चीज़ है, सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो ऐसे में अगर लगने लगे कि फ्रिक्शन होता जा रहा है और बहुत एक दूसरे के प्रति बहुत दूरियां बढ़ गई हैं, तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसका प्रयोग किया गया हो? कभी कभी तो बेटा ऐसी स्थिति होती है कि हमें किसी की बुराई सुनना अच्छा लगता है, किसी की कमी सुनना अच्छा लगता है, हम कमी को सुन करके उसी के अनुरूप चलने लगते हैं। पर कुछ जैलस लोग, उनकी कोई गर्ज होती है, कोई मतलब होता है, कोई ध्येय होता है, तो
पहले दुनियादारी से कोशिश करते हैं कि कैसे दो लोगों को अलग किया जाए, नहीं होते हैं फिर कोई और जोरदार तरीका अपनाते हैं, फिर भी नहीं होते हैं तो फिर तंत्र का सहारा लेते हैं, जो बहुत गलत बात है। तो जब ऐसी स्थिति आती है दोस्तों, तो आप बुद्धि से मन से सोच के रखना कि कहीं कोई ऐसा प्रयोग तो नहीं हो रहा, मैं अपनी पत्नी से दूर हो रहा हूँ, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पत्नी इरिटेट हो जाती है, पति घर ही आते हैं तो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है पिता पुत्र दोनों मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे थे आज दोनों दूर दूर हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपकी टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही थी आज सबके मन में मतभेद पैदा हो रहे हैं। हो सकता है ना हो, पर इस बात की बहुत संभावना है कि विदेशन तंत्र का प्रभाव हो, क्योंकि विदेशन तंत्र बहुत जल्दी प्रभाव दिखलाता है, बहुत जल्दी इसका असर होता है। बस आगे बढ़ते रहें उस परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ, सभी सुख भोगते हुए उसके चरणों में चले जाएं। बस इसी आस्था के साथ, विश्वास के साथ आप सबसे इजाजत लेता हूँ। ही डैडी से पूछूंगा एक प्याली चाय हो जाए। नमस्कार, स्पिरिचुअल विद्या की इस कड़ी में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जब भी आज तक हमने तंत्र का नाम सुना, ऐसे लगता था कि ये हमारे लिए नहीं हो सकता, ये कुछ और लोग हैं, कुछ और तरह की बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। अब इस कार्यक्रम के दौरान
इस पूरी श्रृंखला में ऐसे लगता है कि आकर्षण, वशीकरण, स्तंभन, ये बातें शायद हमारे जीवन का हिस्सा है, क्योंकि अभी तक जहां हम इनसे बहुत दूर थे, इनके महत्व को समझ रहे हैं और इनकी पॉजिटिविटी, इनकी प्योरिटी, इनका अपने जीवन में महत्व समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी इससे जुड़ी बहुत सी भ्रांतियां हैं जो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से चाहेंगे कि धीरे धीरे दूर होती जाएं और हमारा इस पूरी विद्या में विश्वास और गहरा होता जाए। इस पूरे विश्वास के डोर को पकड़ने के लिए हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार कंठुप्रिया। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, तंत्र आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपका हेल्प करने वाला है। वेदोक्त साधना जहाँ बहुत कठिन, बहुत दुर्गम, बहुत नियमों के तहत आती है, तंत्र वहाँ स्वच्छंद है। तंत्र जानी सीधी बात, कोई बिचौलिया नहीं है बीच में। आप और जो ऊपर वाले की शक्ति, ऊपर वाले की पावर, ऊपर वाले की कृपा, सीधा सीधा आपका संपर्क। और तंत्र ही एक ऐसी विधा है जिसमें जो आपके गुरु हैं, धीरे धीरे वो भी दूर हो जाते हैं। वो भी दूर होने के लिए कहते हैं कि नहीं, बस अभी बेटे तू स्वच्छंद है, तू अपना विचरण कर। तो कैसे तंत्र की विधाएं काम करती हैं, बिल्कुल ब्रीफ में संक्षिप्त सा बताने की आपको पीछे कोशिश की है, जो मैं जानता हूं। दोस्तों, तंत्र विद्या एक समुंदर है और तंत्र के अनेक प्रकार हैं। जैसे षटकर्म बताए, और षटकर्म के साथ साथ तंत्र की अपनी टाइप्स हैं। कहीं अघोरी तंत्र है, कहीं वाम मार्गी तंत्र है, कहीं दक्षिण मार्गी तंत्र है, सतो मार्गी तंत्र है। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो एक ऐसी विधा की जो सब व्यक्तियों के लिए है, सब आप सबके लिए है, सरल है। और मैं ऐसा ही कहूँगा, प्राइमरी से भी प्राइमरी जानकारी है वो आपको देने की कोशिश की जा रही है। इसी जानकारी को और बढ़ाते हैं आगे कनुप्रिया के साथ। स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर हम चढ़ते जाते हैं, विद्या सीखते जाते हैं। बहुत से लोगों के अब सवाल आ रहे हैं, बातें करना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा था कि एक डॉक्टर कभी भी जो भी बीमारी होती है उसका इलाज करता जाता है, कभी केमिकल से, कभी सर्जरी करता है, कभी हर बार टेक्निक उसकी अलग हो सकती है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हम ये नहीं पूछते कि उसका इलाज ये ऐसे क्यों करता है। लेकिन यहाँ बहुत से सवाल हैं, लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियाँ थी उनको दूर करने के लिए भी, कि ये जो सॉल्यूशंस हम देते हैं, चाहे आपने जिस भी तरह की विधियाँ बताई, चाहे वो पीला कपड़ा होता है या पीले चावल हैं या जो भी कुछ ऐसी बातें, किसी खास फूल की भी आप बात करते हैं, कई बार घी का दीपक और तेल के दीपक की बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, क्या होता है इस दौरान ये पूरी विधियों में, जो जो कुछ हमारे साथ हुआ हुआ है वो ठीक होना शुरू हो जाए। तंत्र के पूरे रहस्य क्या हैं, ऐसा क्यों होता है, इसकी गहराई तक जाना बहुत कठिन है। और मैं इसकी क्यों की गहराई तक ना जा करके जो गुरुदेव ने मुझे प्रयोग बताए उनको करने की कोशिश किया और आप लोगों को बताए, आप लोग भी सक्सेस हुए, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। कभी कभी हम क्यों में इतना उलझ जाते हैं, वास्तव में हम क्या करना चाहते हैं नहीं जा पाते। डॉक्टर ने सर्जरी की तो उसने इतने पोर्शन को क्यों सुन किया, बाकी भी करना चाहिए था। और आपको पता होगा, पहले जब सर्जरी होती थी पूरे शरीर को सुन करते थे, और उसके जो क्यों के कारण हैं, हो सकता आगे वाले संत लोग, महात्मा लोग, तंत्र के विद्यार्थी उनको पूरा करें। कुछ कुछ चीज़ों का कहीं कहीं पता चलता है क्यों के साथ, कभी कहीं नहीं पता चलता है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था एक बार कि जब सभी विद्याओं को कीलित कर दिया गया, सभी मंत्रों को कीलित कर दिया गया, तो माँ पार्वती बहुत उदास हुई, बहुत परेशान हुई कि भगवान कलयुग में लोग क्या करेंगे, आपने सब विद्याओं को कीलित कर दिया। क्यों कहते हैं कि तब मंत्र का बहुत दुरुपयोग होने लगा था। माँ पार्वती ने शंकर भगवान से रिक्वेस्ट की, बहुत प्रार्थना की
तो कहते हैं कि शंकर भगवान ने माँ पार्वती को गोदी में बिठा करके एक प्रेसी की तरह, प्रेमिका की तरह, एक अच्छी पत्नी की तरह प्यार करते हुए जो विधान बताए वो ही तंत्र कहलाया। बाद में उन्होंने तंत्र को इतना साफ, साधना को इतना सीधा कर दिया कि दुनिया में जितनी भी समस्याएं होंगी इंसान के लिए, उनका समाधान इस तंत्र में होगा। कहीं कहीं तंत्र इतना सरल है कि छोटी सी साधना, छोटा सा प्रयोग आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर देता है। तंत्र चूंकि प्रैक्टिकल है, क्रियात्मक है, एक खोता चला गया, थोड़ा गौण होता चला गया। कम से कम यामल तंत्र के कितने भाग हैं उनका नाम मिलता है, वो नहीं मिलते हैं। काली तंत्र ग्रंथ के कितने भाग हैं ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। सभी लोग खोज रहे हैं, मुझसे पहले भी खोज रहे थे, मैं भी खोज रहा हूँ, आगे भी खोजते रहेंगे। अगर किसी ग्रंथ में किसी पुस्तक का नाम आया तो पुस्तक होनी चाहिए, तो नहीं मिलती हैं। तो कुछ भाग तंत्र के खो गए, और अभी ऐसा पता चला कि तिब्बत में कुछ हिस्सा है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल सुरक्षित है, पीढ़ियों से चला आ रहा, तो लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे लें, पर वो अपनी, जैसे कोई व्यक्ति भी अपनी जायदाद को, विरासत को छोड़ने को तैयार नहीं होता, बड़े प्यार से उन्होंने सहेज करके रखा हुआ है। भैरव तंत्र अलग से है, आकाश भैरव तंत्र, उसके अलग प्रयोग हैं, उसके ग्रंथ भी कहीं नहीं मिलते हैं। पर एक जमाना ऐसा जरूर रहा है जब तंत्र अपनी चरम सीमा पर था। ऐसे ऐसे प्रयोग हैं तंत्र के, अदृश्य होने तक के प्रयोग हैं, कोई नहीं आपको देख पाएगा, आप सभी को देख पाओगे। ऐसे प्रयोग हैं तंत्र में जैसे आप अपने शरीर को छोड़ने के बाद अपनी आत्मा का अपने ढंग से दूसरे में प्रवेश करा देना। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने ऐसा किया था। ऐसी ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं। एक कुछ वक्त की घटना है, शायद हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब। एक कोई गोरा व्यक्ति साधक था, ऐसे ढूंढ रहा था कुछ। ढूंढते ढूंढते देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, वो बढ़ रहा है शमशान की ओर, नदी की ओर घूम रहा है रात के टाइम। उसको शंका हो गई, उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते करते देखा कि नदी में एक लाश आ रही है, वो लाश किसी नौजवान की थी। कहीं कहीं आज भी विधान है कि लोग जलाते नहीं हैं बॉडी को, नदी में डाल देते हैं, कहीं कहीं गंगा जी में डाल देते हैं, कहीं दूसरी नदियों में डाल देते हैं। निकाला तो जो गोरा व्यक्ति था बहुत परेशान हुआ, बोले कि इसको भी पुलिस में पकड़ाऊंगा, इसका मैं ध्यान रखूंगा। ऐसा सोचता रहा कि जब ये मांस खाएगा उसका, जहाँ कुछ और करेगा, क्या उसके साथ खिलवाड़ करेगा, बहुत नेगेटिव विचार हुए। इतने में क्या देखता है कि बूढ़ा व्यक्ति लुढ़क जाता है, और जो बॉडी, डेड बॉडी आ रही थी, वो चलने लगती है। उसको ताज्जुब होने लगा, उसने पीछा किया उस व्यक्ति का, तो उन्होंने बताया भी तू पीछा नहीं कर सकता, हमारी जो जे विधा है, जो हमारे विधान है, हमारे भारतीय, जहाँ भारतीय आध्यात्मिकता है, वो अपनी चरम सीमा पर थी, आज भी है। हाँ, लोग कम हो गए जानने वाले, ये बात मैं कह सकता हूँ। इसीलिए जहाँ पे साइंस ख़त्म होती है, आध्यात्मिकता की साइंस शुरू होती है, पर दोनों अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, ये सच घटना है, ये कल्याण में कितनी बार प्रकाशित हो चुकी है, और भी कहीं ये प्रकाशित हो चुकी है। और किस वो व्यक्ति, तो पता नहीं आज होंगे नहीं होंगे, पर उन्होंने बुक लिखी है, उसमें ये लिखा है, ये सच घटना है। ऐसे ही आकाशगमन साधना है, तो आकाश के द्वारा आप जा सकते हैं, पता कर सकते हैं। पहले मैं सोचता था बहुत साल पहले कि शायद आकाश से आदमी फ्लाई करके जाता होगा,
पर जब खुद साधना में गया, थोड़ी सी कृपा हुई माँ की, तो अभी लगता नहीं शरीर जहीं रहता है जहाँ होते हैं हम। साधना के द्वारा हमारा मन, हमारी आत्मा जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पहुँच जाती है, और वहाँ जो करना चाहती है वो करके आ जाती है, और उसके पश्चात फिर वापस आ जाती है। इसका मुझे अनुभव है, इसके बारे में मैं कह सकता हूँ। पर ये क्या है दोस्तों, क्या आप ध्यान में जैसे बैठ जाएंगे, बैठे रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, तो आपको कभी कभी बहुत से लोगों को एक अनुभूति होती होगी कि हम जमीन से ऊपर उठने लगे हैं, हम आकाश की ओर जा रहे हैं, हम प्रभु की ओर जा रहे हैं। अगर आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, गुरु कृपा आपके साथ में हो, वहीं से ही आपकी एक यात्रा शुरू हो जाती है। आप कुछ मिनटों में, सेकंडों में विश्व का भ्रमण करके आ सकते हैं, ऐसी स्थिति निश्चित रूप से हो सकती है। इसके लिए आपका बहुत अच्छे साधक होना बहुत जरूरी है, और साथ में गुरु कृपा होना बहुत जरूरी है। तो कन्नू ने सवाल पूछा कि इसकी साइंस क्या है। साइंस जानने लगते हैं तो उलझ जाते हैं, जॉन्डिस हो जाता है आपको, डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। पर हमारे भारत में कोई माला गले में डाल देते हैं, वो माली लोग जो बिल्कुल फूल लगाने वाले हैं, बिल्कुल कुछ भी जानकारी नहीं रखते, और धीरे धीरे आपने देखा माला बड़ी होने लगती गले में डाली, और आदमी का जॉन्डिस ठीक होने लगता है, पीलिया ठीक होने लगता है, और बहुत लोगों का हुआ है। इसकी साइंस क्या कहेंगे हम। चमड़ी के रोग हो जाते हैं, बहुत इलाज करते हैं, पर कुछ स्थान इतने पावरफुल हैं, कहते हैं वहाँ पे आप नमक चढ़ा दो या झाड़ू चढ़ा दो, वहाँ स्नान कर लो, आप ठीक हो जाते हो, सच में आप ठीक हो जाते होते हो। इसकी साइंस क्या होगी। हमारे पंजाब में बाबा लाल दयाल जी की जगह है, जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती या कभी कभी प्रेगनेंसी मच्योर नहीं हो पाती, वहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं, वो ऐसे शक्तिशाली महापुरुष हुए हैं, असंख्य लोगों को वहाँ से बचे हुए। तो इसकी साइंस क्या होगी। फिर मूलतः लास्ट में वही बात आती है कि साइंस, जो स्पिरिचुअल शक्ति आपने हासिल की, जो पावर हासिल की प्रार्थना की दीन दुखी लोगों के लिए, तो वो शक्ति काम करती ही रहती है। आपने वरदान दे दिया कहीं कि इस जगह पे जो भी आएगा, कहीं कोई ऐसी घटनाएं हुई जब हिस्ट्री में गए कि किसी व्यक्ति की बहुत स्किन खराब थी, संत पुरुष गए, कोई बोले आज के बाद जो भी जहां आएगा उसको स्किन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उनका वचन आज भी चल रहा है। कितनी सुंदर है ना हमारी स्वरा, अपने आई बाबा का भी कितना ख्याल रखती है। किसी अच्छे से घराने में मेरी बेटी की शादी हो जाए बस। हमारी कला ही हमारा अभिशाप है, हमारा साथी तो हर कोई बनना चाहता मगर सुहाग कोई नहीं। क्या सुहागन बन पाएगी लावणी पर थिरकती स्वरा। स्वरा राजे सर्वगुण संपन्न, सिर्फ इमेजिन पर। उसे ही उठाना है। काशी सिर्फ इमेजिन पर। ये मुझे बहुत साल से जानते हैं, तो इनसे ही पूछे कि इनका निर्णय क्या है। जो भी ये मानेंगे वो सच होगा।